प्रेशर डांस ये सब चीज़ें कहाँ इफेक्ट करती है, तो क्या लोगों को हजम हो सकेगी ये सब चीज़ें? धारा 370 फिल्म का जो नेगेटिविटी किस तरीके से लेंगे आप? दो साल से आप काम कर रहे हैं, दो साल के बाद आपने क्या बदलाव किया इसने जब हटते ही, और इसमें जब आप ये सारी चीज़ डाल रहे हैं तो क्या लोगों को इस तरह दिखाना चाह रहे हैं 370 को? अभी मतलब फिक्शन फिल्में आपने पद्मावत भी देखी है? आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो अभी जोला पर आई, सारी फिल्में देखी है, उसमें भी गाने थे शायद आपने देखे होंगे एक तो। सो माय फिल्म इज नॉट बेसिकली गाने की, मैंने फिल्म को इस तरह से पिरोया है कि आपको एंटरटेन भी हो और आप धारा 370 के बारे में समझ भी पाए। और दो साल से जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सर, तो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ताकि पब्लिक एंजॉय करे विद द स्क्रिप्ट, हमें डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे। अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाता तो मुझे ना करना की जरूरत पड़ती ना वो फिल्म बनती। फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो धारा 370 लोगों को समझ में आए। अगर मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई है तो ये मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी तो मैंने जब शुरू की थी तब धारा 370 को शायद यहाँ पर कोई जानता होगा, ओनली द जर्नलिस्ट को। अब जाके सबकी आंखें खुली है। तो मैंने दो साल से जब स्क्रिप्ट लिखी थी, मेरा मोटिव था टू सारे लोगों को पता चले कि मुद्दा 370 है क्या, 35A है क्या, वहां की कश्मीरी जो प्रॉब्लम वो है क्या, और वहां के जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ। आप ये जानते हैं कि कश्मीर में ये जो धारा 370 की वजह से वहां की जो महिला अगर किसी हिंदुस्तानी या किसी मुसलमान जो हिंदुस्तान का है उससे शादी करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर वही महिला किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती है तो वो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो सकता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये फिल्म के द्वारा मैंने दिखाया है और ऐसे थोड़ा एंटरटेनमेंट रखा है। और जब हमने फिल्म शुरू की और जब खत्म हुई तब जाके मुद्दा 370 मोदी जी को जो मैनिफेस्टो में आया, और उसके बाद 5 अगस्त को जब निकाली गई। मैंने फिल्म में अकॉर्डिंग टू मोदी जी नहीं बनाई है, मैंने फिल्म ओरिजिनल धारा 370 1989 जो हादसे हुए ये फिल्म उस पर है। तो अगर मुझे वो हादसे दिखाने भी हो तो मुझे अपनी को रियल में विद अ लव स्टोरी प्रेजेंटेशन है। नहीं साहब, धारा 370 तो बात सिर्फ हिंदुस्तान का मामला था ना, पाकिस्तान तो इसमें जुड़ा ही नहीं था जो सरकार। सर क्या बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान जुड़ा नहीं होता तो आज हमारे कश्मीरी हिंदू वहां पर होते। जो पाकिस्तानी जो 1947 में जो अटैक किया गया तबारी और पाकिस्तानियों के थ्रू, जो आज पीओके जो हमारा नहीं है वो हमारा हिस्सा है। तो 1947 में 1956 में जहां पर एग्जैक्टली 370 लगाई गई और 1990 तक वो आग लगी, और आज आपके कश्मीर में आपके कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पर? तो अगर आप देखना चाहते हैं, इट्स नॉट माई, this is my fire and see that in the film. आप भी बोलेंगे एक हिंदू होते हुए एक मुसलमान होते हुए कि हमारे मुसलमान को वो काफिर बोलते हैं, हमारे हिंदू को भी काफिर बोलते हैं कश्मीर में। तो हम इस फिल्म के द्वारा हकीकत दिखाना चाह रहे हैं विद द स्टोरी। जो कश्मीरी पंडित हैं जो 1991 में निकाल दिए गए, भगा दिए गए, खदेड़ दिए गए, क्या उनका पुनर्वास होगा कश्मीर में? तभी तो मोदी जी ने निकाली है। आज कश्मीर हमारा हिस्सा है, आज हम मुसलमान हिंदू सब इकट्ठा एक साथ हो गए हैं, और कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने के लिए, उनकी जमीन दिलाने के लिए, उनका घर दिलाने के लिए, उनकी आजादी दिलाने के लिए हम सबको मिली मदद करेंगे। मैं समझता हूँ इस फिल्म के द्वारा, इस फिल्म के द्वारा मैं जितनी पब्लिक है, मेरे हिंदुस्तान, मेरे दुनिया के जितने लोग हैं, मैं आप जानते हैं कि धारा 370 के बारे में बात कर रहे हैं, पहले कश्मीर था उनके पास, उनकी अपनी एक पैरेलल चीज चल रही थी। क्यों? ये कहानी धारा 370 पर हावी नहीं हुआ है,
धारा 370 आपने पूछा पाकिस्तान का क्या लेना देना है, कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट थे जो मेरे कैरेक्टर जो मौलवी है हमारे को ये जनरल जो आर्मी के पाकिस्तान वो हमें आर्म्स एंड एमिनेशन दे रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे ताकि कश्मीर पाकिस्तान की तरफ जाए, क्योंकि टेररिस्ट का मुद्दा क्या है, टेररिस्ट का मुद्दा है टू क्रिएट हॉरर, टू क्रिएट टेरर, ताकि लोग डरे डरे या तो वो छोड़ के भागे जैसे हमारे पंडित भाई बात है वहां से, और इसी तरह दे वांटेड टू हैव कश्मीर फॉर देमसेल्व्स, तो अपने आप तो कोई नहीं कर पाएगा, तो ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था क्योंकि महाराजा हरी सिंह एक्सीडेड टू इंडिया एंड नॉट टू पाकिस्तान, ये जानते हुए भी कि देयर इज अ ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन कश्मीर, तो पाकिस्तान का इसमें बहुत हैवी हैवी पार्टिसिपेशन था अनरेस्ट का फैलाने में, और जैसा कि आप जानते हैं अभी जब से आर्टिकल 370 लगाया गया है टेररिज्म हैज कम डाउन ड्रास्टिकली इन कश्मीर। The question is, अरे यार इशू हो जाएगा। मैंने ऑडी में जस्ट अभी आज तक मैं आज को इंटरव्यू दिया है कि मेरा जो अगला फिल्म है इट्स कॉल्ड कपड़ा 1947 जम्मू एंड कश्मीर, इसकी स्क्रिप्टिंग ऑडी हो चुकी, मैं शूटिंग कर रहा हूँ फरवरी से, और 5 अगस्त को जिस दिन मोदी जी ने ये धारा हटाई थी उस 5 अगस्त को मैं पीओ के पूरी दुनिया के लिए पेश कर रहा हूँ। So the question is, the question is, so the question is here. इस फिल्म का जो बजट है, basically it is very normal budget. मैंने कोई बड़ा बजट नहीं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर का आदमी हूँ, and especially मैं प्रोड्यूसर के लिए इतनी मेहनत, जब आप देखोगे आपको लगेगा कि ये फिल्म 25-30 करोड़ की है। You see the location. आपने जो कश्मीर नहीं देखा होगा, यहाँ पर जितने हैं, आपने जो कश्मीर नहीं देखा होगा वो कश्मीर में आपको आपके थिएटर में दिखाऊंगा, और जब से ये धारा हटी है तो ऊपर जितने अपनी फैमिली के साथ कश्मीर जाएंगे पूरा सा माहौल दिखाओगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, और इस फिल्म का बजट मैं आपको बता दूं अराउंड 15 क्रोर्स एंड होप इट बिकम्स 150 क्रोर। माय प्रोड्यूसर्स दूसरी फिल्म भी ले यार पीटर के बहाने लो मैंने पॉलिटिक्स को दूर रखा है क्योंकि पॉलिटिक्स किल्स, दैट इज व्हाट मैंने कहा, मैंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो कश्मीरी पंडितों के जो हुआ दैट इज इन 1989 और 1990 में देयर वाज अ पॉलिटिकल इट वाज पाकिस्तान एंड द कबारीज एंड सम मुस्लिम्स जिसके ब्रेन वॉश करके वहां पे दंगे कराए गए, वहां पर कश्मीर साफ कराया गया, कश्मीरी पंडितों का निसंहार हुआ, वो मेरी फिल्म है। आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिकल कुछ बात में क्या क्वेश्चन आने वाला बिकॉज पॉलिटिक्स इज समथिंग व्हिच विल इसी को अगर पॉलिटिक्स होती तो वे भी सेंसर भी नहीं होता। मैं आज फिर ज्यादा सेंसर करेंगे, आज हम सेंसर करने के बाद आपके सामने हैं 13 दिसंबर को, आप फिल्म देखिए उसके बाद बोलिए कि मेरी जो टीम है अगर हमने हार्ड वर्क नहीं किया हो वी आर नॉट गोइंग बैक टू दिल्ली अगेन फॉर दिस। सो कैन आई टेक द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? अच्छा प्लीज बोल। मोहन से बहुत सीरियस मामला हो गया, थोड़ा सा एक सवाल है कि सर जैसे आपने टीवी सीरियल से भी काम किया हुआ है और आपने अब मूवीज में भी आप बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, तो सर थोड़ा उसका बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको मतलब स्ट्रगल इसमें लगता है, मेहनत किसमें ज्यादा लगती है सीरियल में? और मेहनत फॉर्मेट में नहीं होता, मेहनत आपके काम में आपके किरदार में होता है। वर्किंग कंडीशन अगर आप पूछें तो टेलीविजन बहुत टफ है क्योंकि वर्किंग आवर्स का ट्रिक है, उनको दिन का हफ्ते में 5 बार एपिसोड निकालने हैं, तो दैट इज टायरिंग फिजिकली, वर्किंग कंडीशंस आर नॉट एज ग्रेट एज फिल्म। फिल्मों में बिकॉज कैनवस बड़ा है देयर इज अ लॉट मोर एट स्टेक, वहाँ पे एक बार देखेंगे और काम खत्म, या तो आपकी फिल्म हिट होगी या बर्बाद होगी, तो वहाँ पर डिटेलिंग बहुत जरूरी है। जब ये कहते हैं कि मैं 2 साल से लिख रहा था इसका मतलब ये नहीं होता पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि इट टेक्स टाइम, ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को लेकर वाले तो कोई भी सब्जेक्ट को लेकर नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका जो पेपर पे अगर वो सही है तो शूटिंग के प्रोसेस में 50% तो दोनों के बीच टेलीविजन एंड वॉट टाइम बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशन। Oh, I like both. But, television में
कैरेक्टर्स एंड वो पूरा मजाक बन के रह जाता है जो लॉन्च होता है बहुत सही कैरेक्टर होता है जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने एक सीरियल चला जो शुरू हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म होते होते मेरा कैरेक्टर एक आत्मा से बातें करता है मेरा कैरेक्टर तो डॉक्टर से है कि चुड़ैल कहाँ से आ गई इसमें बट ये होता है क्यों होता है ये तो मैं भी आज तक समझ नहीं पाया So the last question which people want to leave, so they said Mohan Kapoor ji ko hai. Rakhi ji started with you as showing you the villain of the film, you know. But we understand General Bajwa is the real culprit, jo aapne bhi bola. So what is the take away that India ka jo bhi 370, now in the future, what's going to be the scene? And what's the role of Pankaj Dheer also we want to know. Pankaj Dheer Saab is playing the father of Anjali Pandey, he's playing the Muslim first child with Anita Raj. Combination of Pankaj Dheer and Anita Raj playing a different character entirely. And their performance, pehli baar achhe musalman ko humne bataya hai. Everyone wants to degrade them. They are not, everyone is not bad. Everyone is not bad. Some people, I feel, some people who are the small ways and they try to create the havoc and the problems over here. I showed a real Muslim man who is a real satire and says that hum Hindu bhai aur Musliman milke kaam karte the lekin aaj kuch aise Musliman unke baat chhina chahte hain unke ghar chhina chahte hain so I from my point of view will say that Pankaj Dheer is like a very very important character jab aap trailer dekhenge just 10 minutes I will show you the trailer then you decide oh, how is Pankaj Dheer's role and Jai Dabaab and everyone and secondly Mohan ji also is a terrific character First time, delegate Supreme Court lawyer Mr. Bhagat Singh Pundi is playing a Kashmir police officer. And that's a hard role. You will see first time a producer playing that of a role, which I say is going to be amazing. And you will feel that a lawyer acting kar sakta hai. Wo actor hote hain, mere baaju mein hore gaye. He's also a lawyer, and ye mera music kar rahe hain. You see the music of Mudda 370. जो आशा जी का गाना है सहेब भाई ने किया है म्यूजिक एंड प्लीज सहेब भाई आप बताइए गुड इवनिंग एवरीबॉडी कितने लोग आए हैं सबको हमारी तरफ से नमस्कार सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करूंगा मेरे बहुत पुराने दोस्त उनके साथ मैंने 22 साल से बहुत काम किया और मिस्टर मोहन सिंह चौधरी एंड अदर कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म आप लोगों ने एक सवाल कर रहे थे बहुत कि ये व्हाट इज 370 एक लाइन में मैं बता देता हूँ क्योंकि आई हैव डन द एंटायर बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर दिस फिल्म So I have watched this film multiple times. तो मुझे सब कैरेक्टर के बारे में सबसे ज़्यादा अगर इस पर किसी को मालूम है मुझे तो मैं इस फिल्म को देखने के बाद मुझे जो लगा कि दिस फिल्म हैज जस्टिफाइड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस फिल्म के लिए राकेश ने जब मुझे बोला कि भाई सैयद म्यूजिक करना है म्यूजिक इज माय पैशन तो मैं इन्होंने मुझे सीन बताया कि ऐसा ऐसा एक पाकिस्तानी आर्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड इन दैट ओकेशन क्या है एक वहाँ के जितने मौलाना साहब है और पाकिस्तान के कुछ एजेंट लोग हैं दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ तो गाना लिखा निसार भाई ने निसार अख्तर साहब ने इन्होंने डायलॉग लिखा है और इस फिल्म के मतलब जितने मैं क्या कहूँ कि जो यूएसपी है वो कैरेक्टर्स तो है ही जो परफॉर्म किए हैं आर्टिस्ट लोगों ने अमेजिंग और सबसे अच्छा जो है वो है इस फिल्म का डायलॉग जो निजार भाई ने लिखा है वो
वो डायलॉग सुन के मतलब इस फिल्म का बैकग्राउंड करने में मुझे बहुत मजा आया। तो ये फिल्म के वेरी वेरी वेल मेड और इसके अंदर बहुत एक मैसेज है। तो आप लोग देखिएगा ये फिल्म रिलीज हो रही है और म्यूजिक बहुत अच्छा है और इस फिल्म को कामयाब करने के लिए बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इधर से मेरा सवाल है, फिल्म बहुत अच्छी है, इधर से राकेश बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू।